हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कुमार अनुग्रह, टीम मेंबर ऑफ माइनिंग प्लांट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फर्लिंग हाइग्रोमीटर। तो चलिए इसके अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि वर्लिंग हाइग्रोमीटर किस काम में आता है, तो मैं बता दूं, वर्लिंग हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता मापने के काम आता है। अगर आर्द्रता को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वायु में उपस्थित वाटर पेपर की मात्रा को, वाटर पेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, मतलब ये प्रतिशत में इसको दर्शाया जाता है। इस वर्लिंग हाइग्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इसका हैंडल है और इसमें दो टेम्परेचर थर्मामीटर लगा हुआ है, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर और एक वेट बल्ब थर्मामीटर। तो जो ओपन है ये फ्री है, तो ये ड्राई बल्ब है, और जो मसलिन क्लॉथ है, यहाँ पे मसलिन क्लॉथ लगा रहता है, इसमें पानी भरा हुआ, ये जो है ये छोटा सा बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ रहता है। इस पानी भरे बोतल से मसलिन क्लॉथ इसके बल्ब से, इसके घुंडी से, इस थर्मामीटर के घुंडी से कनेक्टेड रहता है, उसे मसलिन क्लॉथ से कनेक्टेड रहता है, इसे बेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। आप दूसरे इमेज में भी देख सकते हैं, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मसलिन क्लॉथ लगा हुआ है और नीचे पानी की बोतल, छोटा सा बोतल है, उसमें उसी से कनेक्टेड है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो थर्मामीटर लगा हुआ है, इसका जो थर्मामीटर देख रहे हैं वो -5 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मापता है। इसी टेम्परेचर के सहारे फिर आगे कैलकुलेशन करके ह्यूमिडिटी निकालते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि -5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करने के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वहीं पे इसका लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब यह है कि हर एक यूनिट में दो डिविजन्स होते हैं, मतलब एक डिग्री सेल्सियस को दो भाग में बांट देते हैं तो 0.5 डिग्री सेल्सियस का डिवीज़न अपने को मिलेगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात आप हाइग्रोमीटर में ये देखेंगे कि इसे वर्लिंग मिस रिवॉल्व किया जाता है, घुमाया जाता है। इसे घुमाने के लिए कभी कभी ये यहाँ पे देखिए इंक्लाइन हैंडल है, तो इंक्लाइन हैंडल ज़्यादा सुविधा रहता है, इसे आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि इसे घुमाने के लिए अपने को 200 RPM चाहिए, मीन्स 200 रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 200 राउंड घुमाना पड़ता है, 200 रोटेशन घुमाना पड़ता है। और वो घुमाने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो मसलिन क्लॉथ लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे जो मसलिन क्लॉथ है, इस पे हवा 3 मीटर पर सेकेंड से गुजरना चाहिए ताकि एक निश्चित मात्रा में वेपराइजेशन हो सके। अगर हवा की गति 3 मीटर पर सेकेंड से कम होगी तो सही से रीडिंग नहीं दे पाएगा। अब आगे इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं उसके कैलकुलेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों का रीडिंग लेते हैं। जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का रीडिंग लेने के बाद अपन ड्राई बल्ब का तापमान देखते हैं। आप यहाँ से कैलकुलेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ध्यान देते हैं अपन, वेट बल्ब टेम्परेचर का बाद में काम आता है, लेकिन सबसे पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का जो डिफरेंस है उसको 9 से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और वही 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर का है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 से 25 का है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने को 8 से गुणा करना पड़ता है। अगर 20 से कम है लेस देन 20 है तो जो डिफरेंस है डी इंटू 9 करेंगे, अगर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है तो डिफरेंस इंटू 8 करेंगे, वही 25 से ज़्यादा है, मोर देन 25 है, तो इसमें डिफरेंस इंटू 7 करना पड़ता है। और ये जो
मल्टीप्लाई डिफरेंस इनटू 9 और डिफरेंस इनटू 8 और डिफरेंस इनटू 7 जो है फाइनली रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए 100 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि अपने को जो डी इंटू 9 आया, इस डी इंटू 9 को 100 से माइनस कर देते हैं, वही अपने को प्रतिशत में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाता है। अगर कहीं कहीं अगर जहाँ पे 20 से 25 है तो 100 माइनस डी इंटू 8 करेंगे, वही 25 से ज़्यादा है तो 100 माइनस डी इंटू 7 करेंगे। अब अपन आगे एक एग्जांपल की बात करते हैं, देख लेते हैं एक एग्जांपल अच्छे से। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को दिया हुआ है जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कर लेते हैं 23 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे टेम्परेचर ऑफ बेट बल्ब कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस है, इतना है। तो इसके हिसाब से अपने को आगे कैलकुलेशन करना है, ड्राइवल रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है। तो अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे 23 डिग्री था और एक 19 डिग्री था, तो अपने को सबसे पहले मैंने बताया था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखना है। तो 23 डिग्री है तो 20 और 25 के बीच में है, तो इसके डिफरेंस को कितने से घटाना पड़ेगा, 8 से घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंस कर लेते हैं कितना आएगा, 23 और 19 डिग्री सेल्सियस में 4 का डिफरेंस है, तो 4 इंटू और जो अपन कांस्टेंट फैक्टर निकाले थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो 8 आया था, तो कितना आ गया, 32। तो इस 32 को फाइनली मैंने बताया था कि 100 से माइनस करना है, तो 100 से माइनस करेंगे 32 को, तो अपने को फाइनली कितना आ जाएगा, ह्यूमिडिटी 0-2 8 और ये 9-3 6। इसका मतलब हो गया अपने को 68% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइनली अपने को 68% मिल गया। ये हमेशा प्रतिशत में निकालते हैं। एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देख दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए इसके कंस्ट्रक्शन की बात, तो ये इसका हैंडल है, यही पकड़ के इसे रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, और इसमें दो थर्मामीटर लगा हुआ है, ये ड्राई बल्ब थर्मामीटर और ये बेट बल्ब थर्मामीटर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ओपन टू द एटमोसफेयर होता है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मसलिन क्लॉथ लगा रहता है, ये बेट बल्ब टेम्परेचर से मसलिन क्लॉथ कनेक्ट रहता है, और वो मसलिन क्लॉथ ये इस बॉटल्स में पानी भरा हुआ था उससे कनेक्टेड रहता है, इसलिए ये बेट बल्ब टेम्परेचर अपने को बताता है। अब आगे इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये -5 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक इसमें रीडिंग रहती है, मतलब ये -5 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री तक ये अपने को रीडिंग दे सकता है। और इसमें जो लिस्ट काउंट की बात करें, मतलब हर एक डिग्री सेल्सियस में जो डिवीज़न होती है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस की डिवीज़न होती है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ और। इस बर्लिन हाइग्रोमीटर में अपने को कई बार वो पूछ सकता है कि 200 RPM में क्यों ही घुमाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को ये समझ आप लोग को ये याद रहना चाहिए कि 200 RPM में घुमाने का मकसद है कि मसलिन क्लॉथ को 3 मीटर पर सेकंड से हवा लगे, 3 मीटर पर सेकंड से हवा लगना चाहिए ताकि वेपोराइजेशन मसलिन क्लॉथ से अच्छे से हो, मतलब वो वाटर से कनेक्टेड है तो वहाँ पे वेपोराइजेशन अच्छे से होना चाहिए, इसलिए 200 RPM से घुमाते हैं ताकि मसलिन क्लॉथ में 3 मीटर पर सेकंड से हवा। कैलकुलेशन की बात करी तो कैलकुलेशन जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को देख करके कैलकुलेशन करना है, यदि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 से कम है तो अपने को इसके डिफरेंस को 9 से मल्टीप्लाई करके 100 से माइनस करना है, वहीं पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो इसके डिफरेंस को 8 से गुणा करते हैं और 100 से फाइनली माइनस करके, और अगर 25 डिग्री से ज़्यादा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो इसके डिफरेंस को ड्राई बल्ब और बेट बल्ब के डिफरेंस को 7 से गुणा करके 100 से माइनस करते हैं और फाइनली अपने को रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे बर्लिन हाइग्रोमीटर का फुल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए माइनिंग पॉइंट चैनल से जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम का चैनल है
माइनिंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको और भी अच्छे अच्छे पीडीएफ वहाँ पे मिल सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।